अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे पे कोई सस्ता बड़ा सा 3 बेडरूम 3 टॉयलेट अपार्टमेंट देख रहे हो तो आज के इस अपार्टमेंट को मिस मत करना। और हाँ, आज का ये अपार्टमेंट एक रजिस्टर्ड अपार्टमेंट है तो आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। और अगर आप खुद के रहने के हिसाब से देख रहे हैं तो भी ये अपार्टमेंट बेस्ट है। और अगर आप इसको रेंट आउट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो इस पे ऑलरेडी 42,000 रेंट ऑलरेडी आ रहा है। और आज का हमारा ये अपार्टमेंट फुली फर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है। तो हम अपार्टमेंट का A to Z देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी लोकेशन से। तो सामने नोएडा की इक्विवेलेंट मेट्रो जा रही है और ये नोएडा सेक्टर 137 का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से 2 मिनट के डिस्टेंस पर हमारी सोसाइटी जाती है। सोसाइटी हमारी 12-13 हो जाती है। सोसाइटी के अंदर सामने हमारा टावर जाता है, इसके लोअर फ्लोर पे हमारा अपार्टमेंट जाता है और लेफ्ट साइड जैसी बाहर निकलेंगे सामने हमारा अपार्टमेंट जाता है। एरिया 1660 स्क्वायर फीट, एंट्रेंस में मेटल गेट मिल जाता है और इसके बाद एक वुडन गेट मिल जाता है। और गेट से आप जैसे ही एंटर करेंगे सबसे पहले हमारे अपार्टमेंट का एक बड़ा सा डाइनिंग एरिया जाता है और डाइनिंग एरिया के आगे हमारा एक बड़ा सा लिविंग एरिया जाता है। एक बार अच्छे से नजर मार लीजिए। तो गेट से एंट्री करते ही हमारा 10x12 का डाइनिंग गिर जाता है। सामने हमारा बार काउंटर आ जाता है और ऊपर आपको लाइट्स और फैन मिल जाता है। और आगे बढ़ेंगे तो कंप्लीट सोफा सेट के साथ 11x16 का हमारा लिविंग गिर जाता है और सामने एक बालकनी मिल जाता है। तो ये तो हो गया हमारा लिविंग गिर। चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो अपार्टमेंट के अंदर एक फुली फर्निश्ड किचन मिल जाता है। ये पैरेलल बेडरूम का रनिंग किचन हो जाता है। सो लेट्स चेक दिस आउट। ये 7x7x9 का पैरेलल किचन हो जाता है। ऊपर नीचे सारा काम हो रखा है और साथ में ये फ्रिज आपको मिल जाएगा। और हमारे किचन के साथ सामने बालकनी मिल जाता है। ये हमारा यूटिलिटी बालकनी मिल जाती है। हमारी फर्स्ट बालकनी 3.5 फीट वाइड। साथ में ये वॉशिंग मशीन मिल जाएगा एंड दिस बालकनी कम विद दिस वे। नाउ मूविंग फर्दर, सामान आप साथ साथ देखते चलना। ये अपार्टमेंट के अंदर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप सामान के साथ लेते हैं या बिना सामान के। और प्राइस आपको एंड में बताऊंगा जो कि काफी कम है। नाउ हमारे लिविंग एरिया में वेंटिलेशन सनलाइट के लिए सामने बालकनी मिल जाता है। हमारी सेकंड बालकनी 4 फीट वाइड एंड कम्स विद दिस वे। ना आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट, सामने सेकंड, यहाँ पे थर्ड बेडरूम में जाता है। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट बेडरूम को देख लेते हैं। डायमेंशन 12x12 का हो जाता है। तो जैसे फर्स्ट बेडरूम नीचे वुडन टाइल्स मिल जाता है। यहाँ पे डबल बेड मिल जाता है और हमारे फर्स्ट बेडरूम में ऊपर की साइड आपको स्प्लिट एसी मिल जाता है। और हमारे बेडरूम में वहाँ पे एक बड़ा सा विंडो मिल जाता है विद दिस वे। और हमारे विंडो के जस्ट बगल में यहाँ पे मेटल का वार्डरोब मिल जाता है और वार्डरोब के जस्ट बगल में हमारा 7.5x5 का फर्स्ट वॉशरूम मिल जाता है। सो ये था हमारे अपार्टमेंट का फर्स्ट बेडरूम। नाउ मूविंग फर्दर और चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। डायमेंशन 11x11 का हो जाता है। तो ये हमारा सेकंड बेडरूम हो गया। नीचे वुडन फ्लोरिंग मिल जाता है, सामने डबल बेड मिल जाता है और सामने मेटल का वार्डरोब मिल जाता है। और हमारे बेडरूम के अंदर ही आपको एक विंडो एसी मिल जाता है। और अगेन हमारे सेकंड बेडरूम के साथ यहाँ पर अटैच हमारा सेकंड वॉशरूम मिल जाता है। डायमेंशन 7x7.5 का हो जाता है। हमारे सेकंड बेडरूम से बाहर निकलते हैं और चलते हैं अपने अपार्टमेंट के लास्ट और थर्ड बेडरूम की तरफ। डायमेंशन 13x12 का हो जाता है। ये हमारा थर्ड लास्ट और मास्टर बेडरूम भी जाता है। बेडरूम में रखा सामने आपको डबल बेड मिल जाता है और हमारे बेडरूम के अंदर आपको एक रनिंग मेटल का वॉटर मिल जाता है। और हमारे इस बेडरूम में भी एक स्प्लिट एसी मिल जाता है और सामने अटैच हमारा थर्ड वॉशरूम मिल जाता है। डायमेंशन 7x7.5 का हो जाता है। नाउ मूविंग फर्दर, यहाँ पे एक बालकनी भी मिल जाता है। हमारी लास्ट और थर्ड बालकनी 3 फीट वाइड एंड कम्स विद दिस व्यू। सो ये था आज का हमारा अपार्टमेंट। सो इस वीडियो में हमने हमारे अपार्टमेंट का लोकेशन, सोसाइटी, फ्लोर कंडीशन सब कुछ देख चुके हैं और साथ में अपार्टमेंट के अंदर आपको सामान क्या क्या मिल रहा है वो भी देख चुके हैं। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया, ये अपार्टमेंट आपको फुली फर्निश, सेमी फर्निश दोनों कंडीशन में मिल सकता है। दोनों का डिमांड अलग है जो कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये अपार्टमेंट फुली फर्निश रेंट पे चढ़ा हुआ है जिसका रेंट आ रहा है 42,000 रुपीज। सो आप खुद के रहने के लिए भी या फिर रेंटल इनकम के लिए इसको देख सकते हैं। नाउ डिमांड की बात करें तो अगर आप इस अपार्टमेंट को सेमी फर्निश लेना चाहते हैं तो इसका डिमांड है 1.5 करोड़ रुपए। और अगर आप इसको फुली फर्निश लेना चाहते हैं तो डिमांड है 1.8 करोड़ रुपए। सो अगर आप इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम शौर है, मिलते हैं लोकेशन पे या फिर नए डील के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।